अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि वेट कैसे कम करें। तो मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी टिप शेयर करूँगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाइट या बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को कट डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत आसान सी ट्रिक ये है कि हम लेंगे ज़ीरा वाटर बनाएंगे, और उसके लिए हम लेंगे एक कप पानी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और एक चुटकी अजवाइन। एक चुटकी अजवाइन इसलिए कि अजवाइन की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, और जो ज़ीरा है वो आपका वेट रिड्यूस करने में और स्पेशली जो टमी फैट्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि आपको जो है वो वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह मैंने जो है चूल्हा जला लिया है और इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को जब थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, हल्के से आपको बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें दोनों इंग्रेडिएंट्स को जो है वो डाल देंगे और आप इसको 2 से 3 मिनट का बॉईल देंगे। दिन में 3 दफ़ा आप इस कहवे को आप पी सकते हैं, ज़ीरा वाटर 3 दफ़ा खाने के बाद ले लें चाहें तो, या अगर आपके पास बीच में कोई टाइम मिल रहा है तो आप उस टाइम पर जब आपको याद आ जाए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और आप ये करके इसको जो है ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह ये बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा और 15 डेज़ के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है पानी में, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं क्योंकि ये ज़ीरा जो है इस पानी के अंदर पकेगा। तो अब जब ये आपको छोटे छोटे बबल्स दिखना शुरू हो जाएँ तो उसके बाद आप इसके अंदर ज़ीरा और अजवाइन दोनों को डाल दीजिए और इसको आप थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए। अब प्रॉपर जब बॉयल आएगा तो उसके बाद आपने इसको उतार लेना है, थोड़ा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद चाहें तो इसमें आप लेमन ड्रॉप्स यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ करें। दिन में 3 दफ़ा लें, बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी ना बढ़ाइएगा, लेकिन 3 से 4 दफ़ा, वैसे तो 3 दफ़ा इनफ है, 4 दफ़ा भी अगर आप यूज़ करते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है तो आप इसको करके देखें। आपको इसके अच्छा, अब जब ये पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये हल्का येलोइश टोन हो जाएगी इसकी, तो उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। और ये एक साथ पका के भी मत रखिएगा, एट अ टाइम आप 1 कप बनाएं और उसके अंदर आप 1 टीस्पून ज़ीरा और ये 1 चुटकी अजवाइन जो है वो आप यूज़ करें। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है और ज़ीरा इसमें बहुत अच्छी तरह पक गया है। इसको आप तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे, जिसके बाद आपको ये कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, बॉयल प्रॉपर आए। उसके बाद आप इसको छान लीजिए और मग में निकाल लीजिए। अच्छा, अब ये मैंने छान के जो कहवा है वो इस मग में निकाल लिया है और अब आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो येलोइश सा है। इसमें लेमन ड्रॉप डाले हुए मैंने और ज़ीरा और अजवाइन का पानी है। ये डिलीवरी के बाद भी जो है वो लोग यूज़ करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। इसमें आपको किसी किस्म की बहुत सख्त एहतियात की भी ज़रूरत नहीं है, चाहें तो मीठा और ड्रिंक्स वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अगर आप नहीं भी करेंगे इसका रिज़ल्ट आपको तब भी दिखेगा, मगर ये कि ज़ाहिर ओवर ईटिंग ना हो और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इनटेक ना हो रहा हो, लेकिन ये या जंक बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आपको विदिन 15 डेज, विदिन 20 डेज़ आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे ये पता रहे, मैं इनक्रेज हूँ कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।